तो गाइस ये हमारे पास माइक्रो बुली, अमेरिकन बुली जिसे बोलते हैं, कंप्लीट साइज है। देखो गाइस कितना इसको नीचे ही नहीं जाना, मतलब नीचे से ये देखो, मतलब मुश्किल से चार उंगली भी नहीं जा रही है। ये देखो, ओ तेरी, मतलब इसे कहते हैं माइक्रो। हाँ जी, ये देखो गाइस, अभी तो खैर अभी ज्यादा एडल्ट भी नहीं है, पर इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो कितना ज्यादा शानदार है। माइक्रो साइज है, माइक्रो साइज में क्या होता है कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत छोटे से होते हैं। क्यों भैया? हाँ जी, छोटे। ये देखो आईज वगैरह देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। बुली का बहुत रेयर कलर, ये थाईलैंड। इस कलर के बारे में बताओ मुझे, बहुत रेयर कलर दिख रहा है। मार्ले कलर बोलते हैं इसको। वैसे ब्रीड को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? लुक एट दिस, यहाँ पे ये कुछ बोर्ड वगैरह लग रखे हैं, आगे लग रखी है ट्रॉफी वगैरह। Hey guys, this is Suradili. वाला तो कैसी है मेरी यूट्यूब की जनता। तो गाइज आज का ब्लॉग हमारा बहुत ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि गाइज अभी मैं गया था थोड़े टाइम पहले एवियर डॉग शो, जो कि था पंजाब मोगा में। मतलब यहाँ से वहाँ समझ रहे हो, इतना दूर चला गया तुम्हारा भाई, खाली आप लोगों को एक अमेजिंग सा कंटेंट दिखाने के लिए, जिसके अंदर आ रखे थे अमेरिकन बुली, बहुत ही एक्जॉटिक एक्जॉटिक से, एक्सल डबल एक्सल पॉकेट साइज, पता नहीं कौन कौन से थे, मेरे को तो इतने नाम भी याद नहीं है, पर थे बहुत डेंजर लुक वाले, बहुत प्यारे से दिखने वाले, मतलब हर तरीके के डॉग्स आ रखे थे। तो वो मैंने इस ब्लॉग में कवर करा है, तो पूरा एंड तक देखना इस ब्लॉग को। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट डाउन कर देना, कोई भी चीज़ बुरी लगे तो वो भी कमेंट डाउन कर देना, वो धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, आपके बोलने से ही सब कुछ होगा। हाँ, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पे पीछा नहीं कराया तो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हो और मैं आपके डीएम का इजीली रिप्लाई कर दूंगा। डेली अपडेट्स डालता रहता हूँ कि ये वीडियो आएगी, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ लोकेशन पर एवीआर डॉग शो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताई दिया था। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सोटिक अमेरिकन बुलीज, पॉकेट साइज, डबल एक्सल, माइक्रो, जितने भी होते हैं वो सारे अमेरिकन बुलीज मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, देखते हैं क्या क्या इंटरेस्ट होने वाला है आज ब्लॉग में, तो पूरा एंड तक देखना। तो गाइस ये कुछ यहाँ पे एंट्री के लिए लग रखा है, काफी सही इनकी बातचीत मुझे दिख रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो काफी क्राउड वगैरह भी आ रखा है, कोविड के टाइम पे भी इतना क्राउड बहुत है मेरे हिसाब से। गाइस अभी मैंने जो यहाँ पे अंदर भी एंट्री ले ली है, तो काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, और मतलब मुझे काफी सही लगा है। लुक एट दिस, यहाँ पे ये कुछ बोर्ड वगैरह लग रखे हैं, आगे लग रखी हैं ट्रॉफी वगैरह, ओए होए, मतलब बहुत सारे अमेजिंग अमेरिकन बुली यहाँ पे आए हैं, तो एक एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो वो भी आ रखे हैं, तो वो भी दिखाएंगे खास भाई। क्यों? तो गाइस मैं आ चुका हूँ अब लग्जरी डॉग के पास, ये हमारे पास है। ये नाम क्या है आपका? आदित्य सर। ओके जी गाइस, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने विजिट करा, तो इनके डॉग्स हैं बहुत एक्टिव है। और एक बार मुझे सारे डॉग्स दिखाओ, एक बार कैमरे में कैप्चर करो। और एक से एक अल्टीमेट डॉग है। वैसे कौन सी साइज के पास ये? माइक्रो साइज एंड पॉकेट साइज है। और मैं जो आइज देख पा रहा हूँ ये ब्राउन आइज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर पाई है, ये कलर के हिसाब से होता है। देखिए ओके, वैसे आपके पास सारे साइज होते हैं मैसेज बुली? मेरे पास मोस्टली माइक्रो साइज है, मोस्टली माइक्रो होते हैं। और वैसे अभी अभी अगर मैं काउंट करूँ तो कितने डॉग्स होंगे अभी? अभी 16 डॉग्स लाए हैं। 16 16 डॉग्स इनके पास अभी हैं, जो कि अभी शो में ये दिखा रहे हैं। वैसे आप कहाँ पे लोकेटेड है ये कैनल आपका? हमारा कैनल जलंधर में लोकेटेड है, जलंधर में। और आप मुझे कुछ ना अमेरिकन बुलीज की कुछ फैसिलिटीज़ बताओ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लोगों को, जैसे जो नहीं जानते उनके लिए बताओ। बेसिकली ये अमेरिकन नेटिव ब्रीड है जी। ओके जी, इसके बारे में जो एक मिसकंसेप्शन है वो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको पिटबुल के साथ बहुत कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि देखो ये इनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा पिटबुल से मिलता जुलता है, लोगों को डाउट होता है कि ये कहीं पिटबुल ना हो या थोड़े एग्रेसिव ना हो। हालांकि ये टोटली डिफरेंट ब्रीड है, ये बेसिकली ब्रीड क्रिएट ही एज अ कंपेनियन ब्रीड की गई। ओके ओके, इसे आप इजीली अपने घर में, अपने अपार्टमेंट्स में फैमिली के साथ रख सकते हो। ये फैमिलियर ब्रीड है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये देखने में थोड़े डेंजर लगते हैं, होते नहीं है, पास से दिखाओ यार। और जो इनका ये वाला डॉग है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। तो वैसे ये हमारे पास माइक्रो बुली, अमेरिकन बुली जिसे बोलते हैं, और ये माइक्रो साइज में ये डेल्टा साइज है ब्रदर। ये बैकग्राउंड नॉइस जितनी भी आ रही है उसे इग्नोर करना, ओए होए काफी खतरनाक आ रहा है। पूरा साइज इसका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट साइज है ये। देखो गाइस इसको नीचे ही नहीं जाना, मतलब नीचे से ये देखो, मतलब मुश्किल से चार उंगली भी नहीं जा रही है। ये देखो, ओ तेरी, मतलब इसे कहते हैं माइक्रो। हाँ जी भैया, क्या बात है। वैसे ये भी एग्रेसिव वगैरह नहीं होते हैं? नहीं सर, ये तो ओके जरा से भी। फीमेल है ये? हाँ जी। ओके, इसका ये देखो मेल गुस्सा कर रहा है। ये भी फीमेल है सर। अच्छा, ये भी फीमेल है। अच्छा, इसकी बहन को मैंने टच करा तो उसे गुस्सा आ रहा है। ओके, वैसे आपके कैनल का क्या नाम है? गगन सिद्धू बुल्स। ओके, गगन सिद्धू बुल्स। ओके,
वैसे काफी सही ब्रीड लगती है मुझे। और आपको क्या स्पेशल लगता है इस ब्रीड में, आप मुझे बताओ। सर इसके सर मसल है। हाँ जी, जिसके जो फ्रेंडली, ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। हाँ, घर में कोई भी आता है बहुत फ्रेंडली रहते हैं। हाँ जी। ओके, बस दिखने में थोड़े से डेंजर लगते हैं। इधर देख लो, दिखने में तो बहुत अल्टीमेट लगते हैं, डेंजर। अभी इसके हैवी होना है ना, अभी हैवी कम है ना। अच्छा, अभी और बल्क होने से होकर अभी इसकी ग्रोथ होनी है, जो साइड को होनी है, मतलब और अभी साइड में जाएगी ना कि ऊपर आएगी। ऊपर नहीं जाएगी अभी। ओके गाइस, अब यहां से अंदाजा लगा सकते हो, मैंने आपको ये छोटा सा अंदाजा दे दिया है। ओके गाइस, अब ये हैवी मसल में, ये भी माइक्रो साइज है। हां जी सर, ये माइक्रो साइज है, और ये माइक्रो साइज ना बहुत ग्लॉटी और थोड़ी कॉस्टली भी होता है। हां जी सर, माइक्रो साइज सबसे कॉस्टली होती है, सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। उसके बाद नैनो वगैरह भी लोगों ने बना लिया है, वो एक अलग चीज है। साल की कंप्लीट हुई है अभी, इसलिए इसलिए भी हैवी होना है। और अभी इसे बल्क होना है। इसका नाम स्काई है, आप देख सकते हो ना। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिकन बुली का बहुत रेयर कलर, जो कह रहा हूँ इंडिया बोल सकते हो, तो इंडिया के अंदर ये कलर नहीं आया है। मैं आज आ चुका हूँ दोबारा से द ट्रैकर के अंदर अमेरिकन बुली का। इनके पास सारे साइज होते हैं और ये इंपोर्ट अमेरिकन बुलीज रखते हैं। तो ये कहाँ से इंपोर्ट है वैसे? ये थाईलैंड से। इस कलर के बारे में बताओ मुझे, बहुत रेयर कलर दिख रहा है। मार्ले कलर बोलते हैं इसको। ओके, वैसे इनके पास ना अभी डॉग कम है, जब ये मेरे को पहले डॉग शो में मिले थे बहुत सारे डॉग लेके आए थे। इस बार तो मैं कह रहा हूँ तीन आए हैं, वो भी तीन के तीनों बहुत अल्टीमेट लग रहे हैं। ये वाला देखो आप। ओके, वैसे इसका क्या नाम है? इसका स्पार्टन। ओके, वैसे आप मुझे बताओ, आप कितने सालों से ब्रीडिंग कर रहे हो? ब्रीडिंग करते मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए, तो ये 8 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा है भैया, नहीं बोल रहे तो आप समझ सकते हो कि यार मुझे डाइटिंग वगैरह के बारे में बताओ। डाइट भी देखो नॉर्मल जैसे मर्जी आप दे सकते हो जानवर को, ठीक है? ये आप पे डिपेंड है, आपने कौन सा फूड लेना है, क्या फीड देनी है, आप पे डिपेंड करता है। नॉन वेज हम तो दोनों चीजें देते हैं, दोनों चीजें एक टाइम फीड देते हैं, एक टाइम चिकन। वैसे कौन से साइज में है ये? माइक्रो में। माइक्रो साइज है। हाँ, मुझे बताओ जैसे कि माइक्रो साइज का अमेरिकन बुली होता है तो कैसे जज करें, जैसे कि अमेरिकन बुली में बहुत सारे साइज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे साइज का बता दो, जैसे कि कोई हमारा व्यूअर्स है तो ये हमारे 12 इंच तक का अपनी एक्सोटिक साइज में आते हैं। वैसे इनमें क्या देखा जाता है? हेड और सब कुछ देखा जाता है भाई, हेड भी देखा जाता है, फेस देखा जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये नहीं कि एक डॉग छोटा हो तो माइक्रो में ना, उसका बेल लंबा है, मतलब वो उसकी तरीके से परफेक्ट उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से बना होना चाहिए। 1 साल की फीमेल है, ठीक है? 1 साल की है। हाँ, 1 साल की है। कोई देखेगा तो बोलेगा 4 महीने की है। क्या बात है यार, ये जितनी छोटी है जी उतनी कम्पैक्ट है, प्रॉपर माइक्रो बना रखा है। ये देखो क्या नाम है वैसे इसे? इसका नैनो। तो गाइस, जस्ट अभी मैंने देखे एग्जॉटिक फ्रेंच बुलडॉग, बहुत ही रेयर कलर है गाइस। तो गाइस ये देखो, बहुत रेयर कलर के अंदर है। वैसे कौन सा कलर है भैया? कौन सा कलर है? ब्लू मार्ले। ओके, वैसे ये कलर मैं सच कह रहा हूँ लिटरली बहुत रेयर है। और ये देखो आंखें दिखाओ, बहुत अल्टीमेट आईज है भाई। ये देखो, ओए होए, वैसे क्या एज है इनकी? हाँ जी, एज वगैरह क्या है इसकी? 1 ईयर। अच्छा, ये कपल है दोनों? नहीं नहीं, अलग है। अच्छा, ये अलग अलग है, थाईलैंड से इम्पोर्ट है सारे के सारे डॉग। इनके पास बहुत प्यारा सा एक अमेरिकन बुली है जिसका नाम है ट्रैगो, और मैंने इसे ना एक अपने पर्सनल ब्लॉग में भी ऐड करा है। इसका हेड साइज देखो अभी कितना, मतलब कितना बड़ा है, कितना ये सही बात करिए, 17 महीने हेड। मैं कह रहा हूँ अमेरिकन बुली में ना इतना बड़ा हेड होना कहाँ है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये है मैन का बेटा। इसकी क्या एज है? ये 11 महीने का। 11 महीने का गाइस। तो गाइस, अब मैं आ गया हूँ रिंग में अमेरिकन बुली की, और यहाँ पे जो रिंग में क्या क्या होता है वो मैं आपको अभी थोड़ा बहुत दिखा दूँ। अभी थोड़ा जजिंग वगैरह करते हैं, जो बेस्ट अमेरिकन बुली होता है साइज के हिसाब से उससे अवार्ड वगैरह मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो जजिंग वगैरह चल रही है, यहाँ पे सारे अमेरिकन बुलीज हैं, और यहाँ पे ये देखो ट्रॉफीज वगैरह रखी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो शो वगैरह से क्या होता है कि जो अमेरिकन बुली के जितने भी ऑनर हैं, सारे डॉग ब्रीडर हैं, वो थोड़ा इम्प्रूव करते हैं अपने डॉग्स को और उनके जेनेटिक्स पे ध्यान देते हैं, क्योंकि डॉग को ट्रॉफी मिलती है। तो अगर उनका ब्रीडर पूरी साल मेहनत कर रहा है तो इतनी बड़ी ट्रॉफी तो ये डिजर्व करते ही हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस, हमें अभी मिला है एक प्यारा सा चाओ चाओ। इसका नाम क्या है? इसका नाम डॉलर। डॉलर नाम है, समझ जाओ फिर क्या ही होगा ये। और मैं आपको बता दूँ, ये चाओ चाओ है, बहुत ही पॉपुलर ब्रीड है, कोई जानी मतलब नॉर्मल चीज होती है, रखने के लिए भी बहुत मेहनत।
और मतलब थोड़ी सेवा करनी पड़ती है इस ब्रीड की। और मुझे एक चीज़ बताइए, नॉन ए सी रह लेते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आप रखते कैसे हो, और डाइट वगैरह का क्या सीन है, मतलब कोई इशू नहीं आता अपने तरीके से जैसे भी इसे ढाल लो। और मैं स्पेशल चीज़ें बताऊँ, इसका कोट होता है बहुत फैला हुआ होता है, और आप इन्हें इसके इनके फेस से आप पहचान सकते हो आप, और इनकी टंग जो होती है वो पर्पल कलर की होती है। आप देखो जीप, तो ये देखो थोड़ी सी जीप दिखा रहा है, पर्पल कलर की होती है, बहुत सही है। वैसे एडल्ट साइज है। तो गाइस हमें यहाँ पे दिख चुका है बहुत अमेजिंग सी पाकिस्तानी बुली। तो गाइस ये देखो, मतलब फुल ट्रेंड है, और जैसा कि लोगों का मिथ है कि बहुत अग्रेसिव होती है, बस होती है, बट इनकी नहीं है, पता नहीं क्यों। ये कैसे ट्रीट करते हो इसे? फ्रीडम, नो फुली फ्रीडम है, मतलब फ्रीडम के चक्कर में वो एकदम फ्रैंक है। ये देखो, नहीं घर पे तो इसको बांधते ही नहीं है, और कितना डेंजर और कितना बड़ा डॉग है। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो कितनी प्लस है इसकी, पाकिस्तानी बुली में होती है ब्लड लाइन, इसकी ब्लड लाइन है पाकिस्तानी गोल्ड सिम्बा, और जो सिम्बा का फादर था वो था पाकिस्तान में फाइटर, पाकिस्तान का फाइटर। वैसे इसमें वो लक्षण तो दिखाई दे मुझे नहीं, अभी ये है ना, जब खुला रखेंगे तो कुछ नहीं कहेगा, अगर हम इसको मीट डालेंगे या कोई और नॉनवेज डालेंगे तो ये अग्रेसिव होगा, हम इसको नॉनवेज बिल्कुल नहीं डालते। ओके, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग भी संत बन गए हैं, तो भैया ने भी बना दिया है इसको। वैसे डाइट वगैरह क्या चल रही है इसकी? डाइट वगैरह इसकी बिल्कुल देसी है, मीट डालनी है तो डाल दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं डालते तो मैं देखो बैठ रहा हूँ तब भी मेरे कितने बराबर हो रहा है। यहाँ पे देखो प्यारा सा है अमेरिकन बुली, ये कौन से साइज में भैया? माइक्रो साइज है। ओके, तो ये देखो माइक्रो साइज में कितना प्यारा है, अग्रेसिव तो नहीं है ना, डस्ता वस्ता तो नहीं है ना। ओके, और ये क्या है? ये पॉकेट साइज। ओके गाइस, ये देखो, मतलब ये तो देखते ही घुर्राने लगता है, अमेरिकन बुली का नाम खराब कर देगा। अग्रेसिव ब्रीड नहीं है वैसे अमेरिकन बुली। ओके, ये थोड़ा लाड़ प्यार में रखा है क्या आपने? लाड़ प्यार में, अरे तभी बिगड़ रखा है। वैसे डाइटिंग वगैरह क्या दे रहे हो आप इसे? वैसे अभी हाँ जी, ओके ओके ओके, हो गया आपको ये ब्रीडिंग करते हुए अमेरिकन बुली से? ब्रीड के ईयर हो गया, ब्रीड इसका एक्सपीरियंस बोल रहा है भैया, नहीं बोल रहा है ये जॉब। वैसे ब्रीड को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय, लव यू।